मुनि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाते हुए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई। शिवजी का चरित सुनकर मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल्क्य अतिशय प्रेरित हुए, बोले, शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती उन्हें श्री राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती। ताप पुरुषारथ महा तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कह निज गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरिजारमन वेद न पावहि पारु बरनहि तुलसीदासु किमि अतिमति मन हर्षे मुनि ज्ञानी अहो धन्य तव जन्म मुनीसा तुमहि प्राण सम प्रिय गौरीसा शिव पद कमल जिनहि रति नाहि राम हिते सपने हुन सोहाहि बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो राम भगत कर लक्षणे हो शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु अघ तजी सती असि नारी पनु करी रघुपति भगति देखाई ओ शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरमु तुम्हार सुचि सेवक तुम हित समस्त विकार मैं जाना तुम्हार गुण सीला कहूं सुनाऊं अब रघुपति लीला सुन मुनि आज समागम
हम थोरे कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। राम चरित अति अमित मुनीसा कहीं न स कहीं सत कोटि अहिसा। तदपि जथाश्रुत कहम बखानी सुनिरि गिरापति प्रभु धनु पानी। सारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्र धर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कवि उर अजिर न चावहि बानी। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहिं तहां सुकृति सकल सेवहिं शिव सुख कंद। त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयउ तरु बिलोकी उर अति सुख भयउ। निज कर दासी नागरी पूछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर सरीरा भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद छबिहारी।